नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। नीरज चोपड़ा, इस नाम से आप वाकिफ होंगे। आपको विस्तार से मुझे लगता है इस बारे में बताने की जरूरत नहीं है कि कौन है नीरज चोपड़ा। वही नीरज चोपड़ा जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता, वही नीरज चोपड़ा जिन्होंने ऐतिहासिक जीत दर्ज कर भारत के खाते में गोल्ड मेडल डालकर पूरी दुनिया में एक मान बढ़ाया है, एक तरीके से सम्मान बढ़ाया है भारत का। यही वजह है कि नीरज चोपड़ा की हर तरफ तारीफ हो रही है। नेता से लेकर राजनेता और अभिनेता, हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है। आप नीरज चोपड़ा की पॉपुलैरिटी का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि पूरा देश उन्हें सलाम कर रहा है और वो ट्विटर पर लगातार ट्रेंड हो रही हैं। उनके फॉलोअर्स में एकदम से तेजी से बढ़ाव देखा गया है और जहां पर उनके 4-5 लाख फॉलोअर्स थे वो अब 17 लाख तक पहुंच गए हैं। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, ये आंकड़ा मैं आपको तब का बता रही हूँ। और इन सब के बीच नीरज चोपड़ा पर लगातार इनामों की बारिश हो रही है। हरियाणा सरकार से लेकर पंजाब सरकार और इस तरह से BCCI, तमाम तरह के संस्थान भी आगे आए हैं। आनंद महिंद्रा ने भी अपनी तरफ से ऐलान किया है। जरा बता देती हूँ आपको, कुल मिलाकर कितनी राशि की घोषणा की गई है जो बतौर इनाम नीरज चोपड़ा को देने का ऐलान किया गया है। पानीपत के रहने वाले नीरज चोपड़ा को हरियाणा सरकार ने 6 करोड़ रुपए और सरकारी नौकरी देने का फैसला किया है और ये नौकरी ए क्लास होगी। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने नीरज को टोक्यो में ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए बधाई दी और साथ ही साथ 2 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने नीरज चोपड़ा की उपलब्धि को सराहा है और साथ ही साथ 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है बतौर इनामी राशि। इसके अलावा IPL फ्रेंचाइजी चेन्नई सुपर किंग्स ने नीरज चोपड़ा को बधाई देते हुए 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। आनंद महिंद्रा ने कहा है कि वो नीरज चोपड़ा को इंडिया वापस लौटने पर SUV 700 गिफ्ट करेंगे। इसके अलावा भारत सरकार ने 75 लाख रुपए, मणिपुर सरकार ने 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नीरज चोपड़ा इस वक्त इस तरह से सुर्खियों में छाए हुए हैं और छाना उनका बनता भी है। जो काम उन्होंने किया है, जो गर्व से सीना हम सभी का उन्होंने चौड़ा किया है, वो वाकई में उनकी तारीफ भी बनती है और जो इनामों की घोषणा हो रही है उसके वो हकदार भी है। आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।